भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं वरिष्ठ नेता विजय वर्गीय ने शुक्रवार सुबह रतलाम में मीडिया से चर्चा की। इस दौरान रतलाम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं वरिष्ठ नेता कैलाश विजय वर्गीय ने कहा कि पेगासस को देश को बदनाम करने का षड्यंत्र बताया। विजय वर्गीय ने कहा कि ममता बनर्जी की दिल्ली आकर विपक्ष के प्रमुख नेताओं से मुलाकात करने और 2024 में विपक्ष की ओर से चेहरा बनने के बारे में समय ही बताएगा। विपक्ष में तो 12 दावेदार हैं जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी की सीएम बनने तक की भी क्षमता नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष को विकल्प के रूप में कोई चेहरा नहीं मिल रहा। मध्य प्रदेश में अपनी भूमिका के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता के बतौर हमेशा कार्य करता रहूंगा। बता दें कि विजयवर्गीय इंदौर से बांसवाड़ा जाते समय विजयवर्गीय थोड़ी देर के लिए रतलाम में बरबड़ रोड स्थित एक होटल में रुके थे। स्वल्पाहार के बाद विजयवर्गीय बांसवाड़ा की ओर रवाना हो गए। इस दौरान भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। स्वागत करने वालों में रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा, ऋषभ जैन, जुबिन, अशोक पोरवाल आदि मौजूद रहे। टीम भारती न्यूज। मैं समझता हूँ कि देश के इतिहास में षड्यंत्र क्या होता है, ये पेगासस मामले के खुलासे के बाद पता लगेगा। किस प्रकार हमारे यहाँ के विरोधी दल षड्यंत्र के माध्यम से देश को बदनाम कर रहे हैं, ये इसका पूरा राज खुलने के बाद समझ में आएगा। क्योंकि हमारे लिए देश पहले, कुर्सी बाद में, पर विपक्ष के लिए कुर्सी पहले है, देश बाद में, और इससे देश की बदनामी हो रही है। इनको ध्यान ही नहीं है। पार्लियामेंट में बहस करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, पर क्योंकि पार्लियामेंट तो बहस का स्थान है, वहाँ पर आप चर्चा करिए, पर सिर्फ हंगामा खड़ा करके देश को बदनाम करना मैं उचित नहीं मानता। तो जिस ममता बनर्जी दिल्ली यही सबसे मिली, तो आपको क्या लगा 2024 का चेहरा बनने की कोशिश कर रही है और सब उनको मान्य करेंगे विपक्ष इधर से एक साथ? अब ये तो समय बताएगा, क्योंकि आज की तारीख में ममता जी के खिलाफ कोई नेता नहीं मिल रहा है, सॉरी मोदी जी के खिलाफ तो फेस ढूंढ रहे हैं वो। उनको लगता है कि ममता जी अभी एक फेस हो सकता है, पर ममता जी को स्वीकार हो सकता है। आप क्या मानते हैं कि एक चेहरे पे एक होगा? विपक्ष में 12 प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और ऐसे उम्मीदवार हैं जो स्वयं मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। मध्य प्रदेश में आपकी क्या भूमिका मानी जाएगी? एक कार्यकर्ता जिस प्रकार का सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।